नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एस एस सी मेकर के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ट्वेंटी क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे यह सामान्य विज्ञान की सीरीज का पार्ट 105 है जो कि आने वाले रेलवे एन टी पी सी ग्रुप डी एस एस सी सी जी एल सी एच एस एल बैंक आदि एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है यह क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए तथा बार बार रिपीट होते हैं आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर एक दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि तो दोस्तों आप बताएंगे समुद्र यानी औसन दोस्तों औसन में नदी के अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र का जल जो होता, होता है वो नमकीन होता है ऑप्शन डी इसका ठीक हो जाएगा दोस्तों सोडियम क्लोराइड तथा अन्य लवणों की अधिकता के कारण समुद्री जल नमकीन होता है तो दोस्तों आप बताएंगे समुद्री जल नमकीन क्यों होता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम क्लोराइड तथा अन्य लवणों की अधिकता के कारण समुद्री जल नमकीन होता है दोस्तों समुद्री जल नमकीन होने के कारण समुद्र का जो जल होता है उसका घनत्व अधिक होता है तथा उसमें लगने वाला उत्प्लावक बल भी अधिक होता है इसलिए समुद्र के जल में तैरना आसान होता है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर दो जल का अधिकतम घनत्व होता है तो दोस्तों आप बताएंगे जल का अधिकतम घनत्व दो सौ ताप पर होता है ऑप्शन सी इसका ठीक हो जाएगा दोस्तों गर्म करने पर जीरो डिग्री सेल्सियस से चार डिग्री सेल्सियस तक जल का घनत्व बढ़ता है लेकिन आयतन कम होता है दोस्तों चार डिग्री सेल्सियस पे कब दोस्तों चार डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम होता है तथा घनत्व अधिकतम होता है सेल्सियस से कैल्बिन परिवर्तन करने के लिए दोस्तों आपको सेल्सियस के मान में दो प्लस करना होता है दोस्तों अगर आप दो को प्लस करेंगे सेल्सियस के मान में तो आपका जवाब आ जाएगा दो सौ ऑप्शन सी इसका ठीक हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर तीन सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है तो दोस्तों आप बताएंगे सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी दोस्तों पच्चीस सेंटीमीटर होती है ऑप्शन डी इसका ठीक हो जाएगा वह न्यूनतम दूरी जिससे कोई वस्तु बिना दबाव या तनाव के साफ साफ दिखाई देती है उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं दोस्तों न्यूनतम दूरी दोस्तों होती है बारह इंच या पच्चीस सेंटीमीटर होती है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर चार सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो आप बताएंगे दोस्तों सूर्य को देखने के लिए दोस्तों हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है यानी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर पांच दोस्तों प्रश्न नंबर पाँच है हमारा निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है तो दोस्तों आप बताएंगे निम्नलिखित में से बॉक्साइट यह एलमोनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस् का होता है ऑप्शन भी इसका ठीक हो जाएगा दोस्तों बात करते हैं एलमोनियम के बारे में एलुमोनियम को ए एल के रूप में प्रदर्शित करते हैं तथा इसका जो परमाणु क्रमांक होता है यानी परमाणु संख्या इसका तेरह होता है दोस्तों यह रासायनिक तत्व होता है जो कि धातु रूप में पाया जाता है दोस्तों अर्थकृष्ट यानी भूप्रपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में एलमोनियम पाया जाता है दोस्तों एलमोनिया से विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध एलमोनियम प्राप्त किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर छः न्यूलैंड्स मैंडलिफ और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने विकसित किया था तो दोस्तों आप बताएंगे न्यूलैंड्स मैंडलिफ और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने दोस्तों आवर्त सारणी विषय वस्तु विकसित किए थे ऑप्शन डी इसका ठीक हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर सात हबल आंतरिक्ष दूरदर्शी को आंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया गया था तो आप बताएंगे दोस्तों हबल स्पेस टेलीस्कोप को 1990 में कब दोस्तों 1990 में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था यानी इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों हबल स्पेस टेलीस्कोप यह एक खगोलीय दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप है जो कि अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थित है दोस्तों इसे 25 अप्रैल 1990 में कब दोस्तों 25 अप्रैल 1990 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान डिस्कवरी की मदद से इसकी कक्षा में स्थापित किया गया था दोस्तों इसको तैयार करने में नासा तथा यूरोपियन आंतरिक एजेंसी की मदद ली गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर आठ हु इन्वेंटेड द फर्स्ट पेस मेकर दोस्तों पहला पेस मेकर किसने इन्वेंटेड किया था तो आप बताएंगे जॉन होप्स ने दोस्तों पहला पेस मेकर इन्वेंटिड किया था ऑप्शन सी इसका ठीक हो जाएगा दोस्तों जॉन होप्स ने 1950 में कब दोस्तों 1950 में जॉन होप्स ने पहला पेसमेकर विकसित किया था दोस्तों उन्नीस में 1958 में कब दोस्तों 1958 में पहली बार मानव शरीर में ये पेसमेकर लगाया गया था दोस्तों पेसमेकर का कार्य क्या होता है तो आप बताएंगे पेस मेकर की मदद से किसी भी दिल को कृत्रिम तरीके से धड़काया जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर नौ पौधों के मामले में मिट्टी से सोखा गया नाइट्रेट किस में परिवर्तित होता है? तो दोस्तों आप बताएंगे पौधों के मामले में मिट्टी से सोखा गया नाइट्रेज यह मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है ऑप्शन डी इसका ठीक हो जाएगा दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है वीडियो आपको समझ में आती है वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दें नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर दस दोस्तों प्रश्न नंबर दस यह रेलवे एन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों प्रश्न है हमारा विश एसिड वुड यू फाउंड इन लेमन दोस्तों नींबू में कौन सा अम्बल पाया जाता तो आप बताएंगे दोस्तों नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता ऑप्शन डी इसका ठीक हो जाएगा दोस्तों नींबू संतरे तथा खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर ग्यारह निम्नलिखित में से एच सी एफ सी का पूर्ण रूप होता तो दोस्तों आप बताएंगे निम्नलिखित में से एच सी एफ सी का पूर्ण रूप होता है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सी के द्वारा ओजोन प्रत को नुकसान होता है इसलिए वर्तमान में इसकी जगह हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर बारह हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जिसे हम बाहर निकालते हैं तो दोस्तों आप बताएंगे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा चार परसेंट होती है जिसे हम बाहर निकालते हैं ऑप्शन भी इसका ठीक हो जाएगा प्रश्न नंबर तेरह दोस्तों प्रश्न नंबर तेरह हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन नहीं है तो दोस्तों निम्नलिखित में से बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी यह जीवाश्म ईंधन नहीं होती ऑप्शन डी इसका ठीक हो जाएगा दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है वीडियो आपको समझ में आती है वीडियो को लाइक करा करें चैनल को सब्सक्राइब करा करें नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर चौदह किडनी की पथरी बनी होती है तो दोस्तों आप बताएंगे किडनी की पथरी कैल्शियम ऑक्जलेट की बनी होती है ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा दोस्तों खाद्य पदार्थों में अधिक कैल्शियम वाले तत्व शामिल करने से किडनी में कैल्शियम ऑक्जलेट जमा हो जाता है दोस्तों कैल्शियम ऑक्जलेट किडनी का पथरी का कारण बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर पंद्रह निम्न में से कौन पृथ्वी पर सबसे विशाल जीवित पक्षी है तो दोस्तों आप बताएंगे निम्नलिखित में से ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग दोस्तों शतुरमुर्ग यह पृथ्वी पर सबसे विशाल जीवित पक्षी है ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा दोस्तों बात करते हैं शुतुर्ग के बारे में शुतुमुर्ग यह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है दोस्तों इसकी लंबाई लगभग नौ फीट होती है जबकि इसका जो वजन होता है लगभग एक सौ पचास किलोग्राम होता है दोस्तों यह साठ से लेकर सत्तर किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है दोस्तों अगर हम बात करें कि पृथ्वी पर सबसे छोटा पक्षी कौन सा होगा तो आप बताएंगे दोस्तों हमिंग बर्ड यह पृथ्वी पर सबसे छोटा पक्षी है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर सोलह एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है में कौन सी तरंगे प्रयोग की जाती है तो दोस्तों आप बताएंगे रडार में दोस्तों रडार में रेडियो तरंगे प्रयोग की जाती हैं ऑप्शन भी इसका ठीक हो जाएगा दोस्तों रडार क्या होता तो आप बताएंगे रडार एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगे विशेषता रेडियो तरंगों की सहायता से स्थिर या गतिमान दोनों प्रकार की वस्तुओं की रेंज ऊंचाई दिशा एवं गति का पता लगाया जा सकता है प्रश्न नंबर सत्रह प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होगी तो दोस्तों आप बताएंगे प्रकाश की गति कांच के बीच में जाते हुए न्यूनतम होती है ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा दोस्तों जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति जो होती है न्यूनतम होती है दोस्तों कांच निर्वात, जल और वायु में दोस्तों कांच का जो अपवर्तनांक होता है वह सबसे ज्यादा होता है इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर अठारह प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिका में प्रयुक्त होने वाली गैस होती है तो दोस्तों आप बताएंगे प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिका यानी दोस्तों डिस्चार्ज लैम्प में नियोन गैस प्रयुक्त की जाती है ऑप्शन डी इसका ठीक हो जाएगा दोस्तों नियोन गैस विसर्जन लैंपों यानी डिस्चार्ज लैंप एवं ट्यूबों तथा प्रतिदीप्ति बल्बों में भरी जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर उन्नीस प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है तो दोस्तों आप बताएंगे प्रकाश तंतु दोस्तों निम्नलिखित में से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्शन भी इसका ठीक हो जाएगा दोस्तों बात करते हैं प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर के बारे में दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर यह कांच या प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली बेलनाकार खोखली नलिकाएँ होती है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों इनमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार का क्षय नहीं होता है दोस्तों इंडोस्कोप मशीन जो होता है वह प्रकाश तंतु सिद्धांत पर कार्य करता है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर बीस दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न प्रश्न नंबर बीस कॉस्मिक किरणें होती हैं तो दोस्तों आप बताएंगे कॉस्मिक किरणें यह आवेशित कण होते हैं यानी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा दोस्तों कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं होती हैं यह उच्च ऊर्जा के आवेशित कण होते हैं जो कि अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं दोस्तों आज की वीडियो से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है वीडियो आपको समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ आप एसएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों